नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, इंडिसेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, जिससे प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, इंडेक्स और बेस की। इंडेक्स और बेस होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है और इसके सर पे क्या है, 4, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसको हम कहते हैं बेस, और जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, 3 और इसके सर पे है 2, तो इसके सर पे ये जो 2 है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, नीचे वाले नंबर को बेस कहते हैं, समझिए। मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, 5, और इसके सिर पर लिख दिया 5, ओके। तो बताइए इसमें बेस और इंडेक्स क्या होगा। तो ये जो नीचे वाला है ये आपका बेस हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला है ये आपका इंडेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऊपर ये जो छोटू सा नंबर रहता है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, और जो नीचे रहता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। अभी ये जो इंडेक्स होता है ना, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हो या फिर एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई एक्सपोनेंट पूछता है तो समझ जाइएगा कि वो इंडेक्स की ही बात कर रहा है, ठीक है। अभी एक और बात सुनिए, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो चलो मैं बताती हूँ कि इसे आप लोग कैसे पढ़ सकते हो। तो देखो, इसको पढ़ने के ना कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर 5 है ना, 5 raised to 5 है ना, तो इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, देखो 5 raised to the power, इसका पावर क्या है, ऊपर क्या है, 5 है, ओके। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, 5 raised to 5, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, इसका पावर क्या है, 5th है ना, 5 पावर है ना, तो क्या बोल सकते हो, 5th power of 5। तो देखा आपने, इसको पढ़ने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला 5 raised to the power 5, दूसरा 5 raised to 5, और तीसरा 5th power of 5, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और इसका पावर है 4, तो इसको हम किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं, 3 raised to the power, इसका पावर क्या है, देखिए ध्यान से, इसका इंडेक्स क्या है, 4 है ना, तो 3 raised to the power 4, ओके। या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 3 raised to 4, ओके, ऐसे भी हम इसको पढ़ सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसका पावर क्या है, 4 है ना, तो ऐसे 4th power of 3, ठीक है। 3 का पावर क्या है, 4 है ना, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 4th power of 3। समझ में आया आप लोगों को। तो ये थे कुछ पढ़ने के तरीके। अभी अगर आपको, समझिए, इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आप कैसे लिखोगे, चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 raised to 4, ओके। इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अगर आपसे पूछा गया, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 26, ओके, उसमें ना एक टेबल दिया गया है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना है, तो उस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पता होना चाहिए, ओके। इंडेक्स और बेस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होता है। अगर इस इंडिसेस को आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, देन आप कैसे लिखोगे, तो देखो ऐसे, 3 का पावर क्या है, 4 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई आप 4 बार करोगे, ऐसे 3 into 3 into 3 into 3, कितने बार हुआ, 4 बार। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या है, ये है इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को। वैसे यहाँ पे 2 raised to 8 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो 2 into 2 into 2, कितने बार, 8 बार लिखोगे, ठीक है, 3 बार हो गया ना, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। देखो, हमने 2 को 8 बार लिख दिया, यानी ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना, बहुत ही आसान है, बस एक बार आप समझ जाओगे ना,
फिर तो समझ लो आपको आ ही गया, ठीक है। तो आपने देखो, आपने इंडेक्स समझा, बेस समझा, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी समझ लिया। अभी लास्ट आपको क्या समझना है, वैल्यू। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे 3 raised to 4 का वैल्यू बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ 3 raised to 4 का आप मुझे वैल्यू बताओ, तो ये कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखोगे, 3 into 3 into 3, है ना। 3 का मल्टीप्लाई कितने बार होगा, 4 बार होगा, क्योंकि इसका पावर क्या है, 4 है। अभी आपसे मैं वैल्यू पूछ रही हूँ, तो क्या करोगे आप, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 3 ज़ा 9 9 6 27 27 3 ज़ा 81, यानी 3 raised to 4 इसका वैल्यू क्या होगा, 81 होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। वैसे ही आप 2 raised to 8 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करोगे, सबसे पहले 2 को 8 बार ऐसे लिखोगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और फिर इन सभी का मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं कि यहाँ पे हमको आंसर क्या मिलता है। देखो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64, ओके, 64 2 ज़ा 128, और 128 2 ज़ा क्या होता है, ये तो हमको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 128 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5 और 2 1 ज़ा 2 256, क्या आएगा, 256। समझ में आया आप लोगों को वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है, इंडेक्स, बेस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और वैल्यू समझ में आया ना, तो जो आपका प्रैक्टिस है 26 है, ये समझ लीजिए कि आपको आ गया, क्योंकि प्रैक्टिस है 26 बेस्ड है इन्हीं के ऊपर, ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, ओके। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। वैसे सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया, मैं आपको कुछ भी अलग से नहीं बता रही हूँ, सब आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ओके। तो ये तो हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पे देखो इतने में आपका प्रैक्टिस है 26 ख़त्म हो जाएगा, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस है 26 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके या फिर यूट्यूब पे सर्च करके प्रैक्टिस है 26 को देख सकते हो, ओके। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब। तो ये स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है ना, एक बड़ा सवाल आपने सुना होगा, स्क्वायर और क्यूब। तो ये स्क्वायर और क्यूब होते क्या हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5 और इसका पावर 2, तो इसको मैं कैसे पढ़ूँगी? आप बोलेंगे कि हमें इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, 5 raised to 2, तो सही है, आप गलत नहीं बोल रहे हो, आपने सही बोला, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 5 raised to 2 हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने का एक और तरीका होता है, वो क्या, स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और एक और तरीका होता है 5 squared, ठीक है, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। वैसे जनरली तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, 5 square, 3 square, 2 square, ऐसे ही पढ़ा जाता है, सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, इसको रीड करने के अलग अलग तरीके हैं। समझ में आया स्क्वायर क्या होता है? तो याद रखना, अगर किसी भी नंबर का पावर क्या है, 2 है, तो वहाँ पे हम उसको कैसे पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और इसका पावर 2, तो आप इसको क्या बोलोगे 3 square या फिर स्क्वायर ऑफ 3, ओके। लिख करके बता देती हूँ, स्क्वायर ऑफ 3 आप बोल सकते हो या फिर 3 square भी बोल सकते हो, ओके। तो ये अलग अलग तरीके हैं पढ़ने के, क्लियर है इतना, ओके। तो ये तो हमने स्क्वायर की बात की, अभी हम किसकी बात करेंगे, क्यूब की। तो चलिए क्यूब देख लेते हैं क्या होता है, क्यूब मतलब क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा 6, ठीक है, और इसका पावर यहाँ पे है 3, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, क्यूब ऑफ 6। देखो ऐसे,
क्यूब ऑफ 6 या फिर और 6 क्यूब, ओके ऐसे करके मैं इसको पढ़ सकती हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो मैंने क्या बोला, अगर किसी नंबर का पावर 2 रहता है तो वहाँ पे हम उसको स्क्वायर पढ़ते हैं, ओके हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी इस नंबर का ये स्क्वायर है, ओके। और अगर 3 रहता है तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, क्यूब ऑफ 6 या फिर 6 क्यूब, ठीक है। अगर 3 पावर रहा तो इसका इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्यूब ऑफ 6 या फिर 6 क्यूब। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 6 raised to 3 ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसे इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सही मेथड होता है 6 क्यूब या फिर क्यूब ऑफ 6, ओके क्लियर है, इतना समझ आ रहा है ना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। बस आप ध्यान से देखते जाओ, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर इतना ईजी लगेगा ना कि आप लोगों को दोबारा से रिविज़न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिसेस विथ सेम बेस, यानी इंडिसेस आपको दिए रहेंगे वो कैसे होंगे, सेम बेस यानी उनका बेस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और आपको उनका क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई, तो आप कैसे करेंगे, इसका रूल क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखती हूँ, देखिए समझिए, एक एग्जाम्पल है 2 raised to 4 into 2 raised to 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंडिसेस दिए गए हैं लेकिन इनका जो बेस है वो क्या है, सेम है, राइट। देखो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है। और अभी आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको वो रूल भी बताऊंगी, लेकिन उससे भी पहले ये बताती हूँ कि वो रूल एक्चुअल में आया कहाँ से। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, 2 raised to 4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होगा, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अभी देखो 2 raised to 3 है, 2 क्यूब है, ओके 2 क्यूब है, यानी 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हमको 3 टाइम करना है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, ये होगा 1 2 3, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो ये कितने बार है, 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, यानी मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 और इसका पावर 7, ओके समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, देखो बेस सेम है तो एक ही बार लिखना, और ये जो पावर्स हैं दोनों के, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 3 7, है ना, 2 raised to 7, देखो यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। मतलब अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या कर सकते हो, जो इनके पावर्स रहेंगे उनको प्लस कर सकते हो, ठीक है। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको प्लस करके बड़ी ही आसानी से आंसर निकाल सकते हो, समझ में आया। तो ये होता है रूल, क्या रूल होता है, देखो अगर बेस सेम रहेंगे इंडिसेस में, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, और अगर बेस सेम रहेंगे तो उनके पावर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया, है ना। अभी आप लोगों को समझ में आया कि ये रूल बना कैसे है, तो ऐसे बना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाक से, यहाँ पे मैंने ले लिया एक क्वेश्चन, 3 और इसका पावर 2 इंटू 3 इसका पावर 3, ठीक है। अभी इन दोनों को आप लोगों को करना है मल्टीप्लाई, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो एक ही बार लिखना और पावर्स को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, यहाँ पे रूल देखा था ना, तो 2 + 3 कर देना, क्या हो जाएगा, 3 raised to 5, ओके आपको रूल पता है ना, अगर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो पावर्स को कर देना है प्लस, बस इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। अगर आपको ये रूल याद नहीं रहेगा फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, तो बस ये सिंपल सी चीज़ याद रखो, अगर मल्टीप्लाई का साइन है और वहाँ पे इंडिसेस का जो बेस है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को यानी इंडेक्स को प्लस कर देते हैं, ओके समझ आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं फ्रैक्शन वाला, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, -2/5 इसका पावर है 2 into -2/5
इसका पावर है 4। ओके, तो इसको आप कैसे करोगे? देखो बेस सेम है ना, यहाँ पे भी -2/5, यहाँ पे भी वही है, बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे। तो -2/5 रेस टू 2+4, देखो इसका पावर क्या है, 2 है, इसका इंडेक्स क्या है, 4, तो 2+4 क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे लिखेंगे -2/5 रेस टू 6। समझ आया? देखा आपने कितना आसान है। अगर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स इंडेक्स रहेंगे उन सभी को प्लस कर देंगे। ओके, समझ आया? तो ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट 27 के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 27 में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं और जैसे मैंने बताया ना, इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, और मैं आप लोगों को ये भी साथ ही साथ बता देती हूँ कि प्रैक्टिस सेट 27 मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली YouTube पे सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हो और सभी सॉल्यूशंस को आप लोग समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप खुद से ट्राई करो प्रैक्टिस है 27 को सॉल्व करने का, बहुत ही आसान है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना वही आप लोगों को करना है। ठीक है, वैसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, प्रैक्टिस है 27 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताऊँ मैं, 7:4 है इंटू 7:3 है, 2 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो बेस सेम है ना, तो एक ही बार लिखना, पावर्स को प्लस कर देना ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 7, 4+2, 6, 7:6 ये हो गया आपका आंसर। समझ आया? तो ऐसे ही करना है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है, मैं चाहूँ तो आपको अभी बता सकती हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है तो मैं सोच रही हूँ क्यों बताऊँ, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगी, चलो बता ही देती हूँ। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ना बता ही देती हूँ, रुको एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस है 27 का सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया, राइट, अभी सेकेंड वन आप देख लो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे, तो -11 रेज़ टू 5+2 क्या हो जाएगा, -11 और इसका पावर हो जाएगा 7। ठीक है, वैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन भी है, वहाँ पे 6/7 दिया गया है, देखो थर्ड क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, 6/7 और इसका पावर है 3, फिर है 6/7 और उसका पावर है 5। ओके, तो क्या करेंगे हम, जो इंडेक्स है ना इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6/7 रेज़ टू 3+5 यानी कि 6/7 रेज़ टू 8। ओके, वैसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन भी है, फिफ्थ भी है और सिक्स भी है, तीन तो मैंने बता दिया, अभी तीन आप खुद से कर लेना या फिर जो मैंने पहले वीडियो डाला है आप उसको देख लेना। ओके, तो अब उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तो अभी देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन ऑफ इंडिसेस विद द सेम बेस, यानी अभी तक तो हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, राइट, अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इंडिसेस का डिवीजन देखेंगे विद द सेम बेस, यानी बेस वहाँ पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पे है 6/4 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अभी इसे आपको करना है सिंप्लीफाई, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो इसका एक रूल होता है, अगर ऐसा डिवाइड है ना, ऐसा डिवीज़न का साइन है, तो आप क्या कर सकते हो, जो बेस है ना उसको एक ही बार लिखो, अगर बेस सेम है तभी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो एक ही बार लिखो और क्या कर दोगे, ये जो आपके पावर्स रहेंगे ना इनको माइनस कर दोगे, 4-2 यानी क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर, 4-2 2 होता है ना, 6 का पावर 2 यानी 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस करना है और अगर डिवीजन रहेगा तो माइनस करना है। ठीक है, अभी ये रूल क्या सचमुच में काम करता है, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा कि 6/4 अपॉन 6 का स्क्वायर है ना, मतलब ये इसके अपॉन में होगा, ये डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना, तो अभी देखना इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखो, 6 × 6 × 6 × 6 4 बार 6 लिख दिया, इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखो 6 × 6, राइट, अभी देखो क्या होगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा,
बचा क्या, 6 × 6 बचा। अभी मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 6 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ। समझ में आया? तो रूल क्या है, रूल क्या है, अगर मल्टीप्लाई है तो हमें प्लस करना है, अगर डिवाइड है तो हमको माइनस करना है। बस इन्हीं दोनों को आप ध्यान में रख लो, बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब बेस सेम रहेंगे तभी। ओके, समझ आया? तो अगर आपको ये समझ आया ना, तो आप प्रैक्टिस है 28 को कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस है 28 इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये वाला बस आपको समझना था, यहाँ पे डिवीज़न ही समझना था और कुछ भी नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेकर के मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे है -2 और इसका पावर है 5 डिवाइडेड बाय -2, इसका पावर है 3। तो इसका इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करोगे, तो बेस सेम है ना, तो एक ही बार लिखना। और क्या सिखाया मैंने, जब डिवाइड रहेगा तो क्या करते हैं हम, पावर्स को माइनस कर देते हैं, यानी 5 - 3 हो जाएगा, मतलब -2 और इसका पावर क्या आएगा, 2, यानी -2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ -2। ओके, समझ आया आप लोगों को? तो ये होता है आपका रूल। ओके, अभी मैं आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताने वाली हूँ। जैसे समझिए, यहाँ पे इस तरीके से आ गया m raised to 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 5 raised to 0 इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। कोई भी नंबर है अगर उसका पावर है 0, क्या बोल रही हूँ मैं, एकदम ध्यान से सुनो, हाँ गड़बड़ नहीं करना आप लोग। ये कुछ लॉज होते हैं इंडिसेस के, जो आप लोगों को याद तो होने चाहिए। ओके, अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर है 0, देन उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई नंबर है उसका पावर है 1, तो वो खुद वही नंबर होता है, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ऐसा है 5 raised to -1, ओके, तो अभी आपको यहाँ पे ये जो पावर माइनस में है ना, आपको माइनस में नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इसको 1/5 करके लिख सकते हो, 5 raised to 1 ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, इस 5 को नीचे ले लिया, नीचे लेने से क्या हुआ, इसका जो पावर माइनस में था वो प्लस में हो गया। ओके, वैसे ही समझिए 1/6 raised to क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 6 raised to 2 को बाहर ऊपर लेकर के जाना है, तो ऊपर तो मैं इसको लेकर के जा सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके पावर को माइनस में लिखना पड़ेगा, यानी कि ऐसे 6 और इसका पावर -2। ओके, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। अगर -1 में कोई पावर है, आपको माइनस में नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे नीचे लेकर के जा सकते हो और उस माइनस को हटा सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसे करके कोई नंबर है, उसे आपको ऊपर लाना है, तो आप ऊपर तो ला सकते हो, लेकिन वहाँ पे उसके पावर के आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोग को समझाना चाहती थी, जो कि बहुत ही आसान है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्ट है, सब कुछ तो कितना आसान है। अभी मैं आपको पूरा ओवरऑल भी बता दूंगी, ठीक है, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ना, वो सब मैं आपको रिविज़न करवा दूंगी, बस आप समझते जाओ। ओके, तो इतना आप लोगों को अगर समझ में आया ना, तो प्रैक्टिस है 28 आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो ऐसा है, और जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसमें आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू निकालना है, यानी इतना करने के बाद आपको रुकना नहीं है, बल्कि इसका वैल्यू भी निकालना है। तो इसका वैल्यू आप लोग निकालोगे कैसे, देखो 6 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करोगे, 6 × 6 क्या होता है, 36, यानी ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिस है 28 भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि मैंने कैसे प्रैक्टिस है 28 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ओके, लेकिन उससे भी पहले आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता है फिर उस वीडियो को देखो, ठीक है। तो चलो ये तो हमारा हो गया, उसके बाद अभी हम लोग कुछ और टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताती हूँ। जैसे समझिए, आपके पास ना एक नंबर है ऐसे करके 2 × 3
और इसका पावर है 4, ठीक है, इसका पावर है 4। तो इंडिसेस का रूल क्या होता है ना, ये जो 4 है ना, ये दोनों के पास चला जाएगा, यानी ये दोनों का इंडेक्स हो जाएगा। कैसे, देखो, 2 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 4, मतलब इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी ये जो पावर है ना, ये दोनों के पास चला जाएगा, ठीक है। अभी ये रूल आया कहाँ से वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, जैसे ये 2 इंटू 3 रेज टू 4 है, तो रेज टू 4 मतलब क्या होता है, इसका 4 बार मल्टीप्लाई। तो देखो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, फिर इंटू 2 इंटू 3, फिर इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। कितने बार किया, 1 2 3 4, 4 बार कर दिया, राइट। अभी ये ब्रैकेट्स को हटा दो, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, राइट। अभी सुनो ध्यान से, इधर सुनो, 2 2 2 2, इन चारों को हम एक पास ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 को एक साथ लिख देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अभी सुनिएगा, ये देखो कितनी बार, ये 2 है, 4 बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। और 3 कितनी बार है, 3, देखो 3 कितनी बार है, तो 4 बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 4। तो देखो यहाँ पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। यानी यहाँ पे हमने वही तो देखा था ना, ये देखो ये पावर 4 था, तो ये दोनों को हमने दे दिया था। तो सेम देखो, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको यही आंसर मिला है, यानी ये आपका एक रूल है, ठीक है। ऐसे करके अगर आपको नंबर्स दिए गए हैं तो उनको आप क्या कर सकते हो, यानी वो जो पावर रहेगा ना, ऐसे करके ब्रैकेट में है कोई नंबर्स और उनके बीच में है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी उसका पावर रहेगा ना, आप वो 2 नंबर को भी दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे दिया था। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 3 इंटू 6 और इसका पावर है 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ये जो पावर है ना, ये दोनों के पास चला जाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना, देखो बहुत ही आसान है, बस आप समझते जाओ। अभी ये तो हमने मल्टीप्लाई की बात की, अब समझिए कि ब्रैकेट में क्या है, डिवीजन है, ऐसे करके 4/5 और इसका पावर है 3, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो 3 है ना, दोनों को दिया जाएगा, यानी 4 का पावर 3 और 5 का पावर 3। अभी ये रूल कहाँ से आया मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, इस 3 का मतलब क्या, इसका 3 बार मल्टीप्लाई, 4/5 × 4/5 × 4/5, ओके, राइट। अभी सुनिएगा ध्यान से, 4 × 4 × 4/5, देखो 4 का मल्टीप्लाई, ये इन तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया, और 5 × 5 × 5, इन तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया, यही करते हैं ना हम मल्टीप्लीकेशन में। ओके, अभी 4 × 4 × 4, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 का पावर 3, और 5 × 5 × 5, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 का पावर 3। तो देखो, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था वही लिखा है ना यहाँ पे, समझ में आया। तो ये भी एक रूल होता है, देखो ये एक रूल होता है और ये एक रूल होता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है, ये समझ आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताने वाली हूँ, वो क्या, समझिए, आपके पास यहाँ पे ना ऐसे करके नंबर है 5 का स्क्वायर और फिर इसका पावर है 3, तो इसमें क्या होगा ना, ये जो पावर्स होते हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, कैसे, देखो 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो क्या होगा, 5 2 6, यानी 5 सॉरी 2 3 6 और 5 रेज टू 6, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो ऐसे अगर आपको नंबर्स दिखाई देते हैं ब्रैकेट में और फिर उसका कुछ पावर रहेगा, तो जो पावर्स होते हैं ना, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अभी इस रूल को भी मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुनिएगा, क्या है, 5 स्क्वायर, इसका पावर है 3, तो पावर 3 का मतलब क्या, 5 स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 बार होगा, देखो 5 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 है, राइट। अभी सुनो, 5, देखो इन सभी के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब क्या होगा, ये जो इसके पावर्स हैं ये सभी प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे,
समझ आ रहा है? ये रूल मैंने आप लोगों को बताया था ना, ठीक है? अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो इधर सुनिए, ये क्या है, 5 का पावर 2 मतलब 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, फिर ये 5 का पावर 2 यानी 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, ओके? फिर क्या है, 5 का पावर 2 यानी 5 का 2 बार मल्टीप्लाई। तो देखो 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है, 6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 6। तो देखो यहाँ पे हमको जो आंसर मिला था वही मिला है, ओके? तो ये भी एक रूल होता है। देखो ये शॉर्टकट है और ये पूरा डिटेल में है, तो हर बार आप डिटेल में थोड़े ना करोगे, है ना? जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप ऐसे डिटेल में करते बैठोगे? नहीं, इसी के लिए तो ये रूल्स बनाए गए हैं, ताकि आप फटाक से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है बच्चों? तो इतना ही आप लोगों को समझना है, ओके? तो ये कुछ रूल्स थे इंडिसेस के। अभी मैं आप लोगों को ओवरऑल रूल्स बता देती हूँ, ठीक है? कि वो सभी रूल्स या फिर उसको लॉज भी आप बोल सकते हो, लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट मैं आप लोगों को वही बता देती हूँ, स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपने जो पढ़ा ना वो सब मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर लॉज ऑफ इंडिसेस में सबसे पहला हमने क्या सीखा था, देखो यहाँ पर समझिए, कोई नंबर है तो नंबर को मैं अज्यूम कर लेती हूँ, देखो नंबर को मैं अज्यूम करती हूँ ए, और जो उसका पावर रहेगा ना उसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ एम एंड एन, ठीक है? ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। ये जो ए है ना वो कैसा नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो देखो पहला लॉ हमने क्या सीखा था कि अगर ए और इसका पावर एम है इनटू इसके बीच में देखो मल्टीप्लाई है, ठीक है? यहाँ पे ए है और इसका पावर एन है, तो पावर्स क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, सेम है ना? बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हमने पहला रूल सीखा था, याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं याद आ रहा तो पीछे जा करके वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये पहला रूल था, है ना, समझ में आया? अभी दूसरा रूल क्या है, देखो अगर यहाँ पे a रेज टू m है और a रेज टू n है और इन दोनों के बीच में है डिवाइड, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं, m माइनस n, ऐसे, ठीक है? क्लियर है? ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या था, तो तीसरा ये है कि अगर a रेज टू 1 है, ठीक है, तो a रेज टू 1 इज इक्वल टू क्या होता है, a ही होता है, जैसे कोई नंबर है 5 रेज टू 1 तो इसका आंसर 5 ही आएगा, ओके? फिर चौथा रूल हमने क्या देखा था, ये सभी मैं आप लोगों को इंडिसेस के लॉज बता रही हूँ जो आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है? समझ में आए? ये ना ये जो मैं आप लोग को बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से आप समझ लो बस। हाँ, फोर्थ हमने क्या देखा था, देखो a रेज टू 0 यानी कोई नंबर है और उसका पावर 0 है तो उसका आंसर यानी उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, याद रखना, ओके? फिफ्थ लॉ क्या था, अगर a रेज टू माइनस m है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a रेज टू और यहाँ पे माइनस m है ना, तो हम यहाँ पे प्लस m करके लिख सकते हैं, ओके? तो ये भी एक लॉ है इंडिसेस का, ओके? चलो अभी नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे यहाँ पे a है इंटू बी है और ये दोनों ब्रैकेट में है, फिर इसका पावर m है, तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को, जो पावर्स हैं ये दोनों के पास चले जाते हैं, मतलब जो पावर है ना वो दोनों के पास चला जाता है, जैसे कि a रेज टू m इंटू b रेज टू m, यानी इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक लॉ है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, वहाँ पे मैंने नंबर्स लिए थे, यहाँ पे मैंने a और b लिया है, a और b मतलब क्या, ये नंबर्स ही हैं, ओके? यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 6, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और ये जो m और n मैंने लिया है ना, ये इंटीजर्स हो सकते हैं, क्या, इंटीजर, यानी प्लस में भी वैल्यू हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इंटीजर, ठीक है? इंटीजर ये होती है स्पेलिंग इंटीजर की, इंटीजर आपको पता है ना, इंटीजर क्या होता है, उसमें जीरो भी आता है, निगेटिव वैल्यूज भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ओके? ये तो सिक्स्थ लॉ हो गया। अभी सेवन्थ लॉ हमने क्या देखा था, देखो अगर ऐसा है a अपॉन b और इसका पावर m है तो क्या होगा, ये पावर दोनों के पास चला जाएगा, यानी a पावर m और b का पावर
एम, ठीक है, ऐसे करके पावर क्या होता है, दोनों के पास चला जाता है। तो ये था आपका सेवेंथ रूल। ओके, अभी लास्ट में एक और रूल बचा हुआ है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपको खाली सेवन स्टैंडर्ड में ही नहीं बल्कि आगे भी काम आएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि इसको समझो समझो समझो। ओके, चलो लास्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे है ए अपॉन बी और इसका पावर है माइनस एम, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से, अगर मुझे क्या करना है, इस माइनस को यहाँ से हटाना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, b को ऊपर a को नीचे और यहाँ से माइनस हो गया गायब। ओके, तो ये भी एक रूल होता है इंडिसेस का, समझ में आ रहा है क्या। तो बस यही 8 रूल्स हैं जो आप लोगों को याद करके रखने हैं, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर आपको यही रूल्स काम आएंगे। एक्चुअली ना मुझे ये रूल्स आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, लास्ट में ही सही, लेकिन आप लोगों को मैंने बड़े ही काम की चीज़ बताई है। और ये कहीं अलग से नहीं बताया मैंने, ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अगर आप टेक्स्ट बुक उठा करके ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपका कुछ भी चीज़ छूटने नहीं पाएगा। ओके, बस पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, ये लॉस तो आपने सीख लिए। अभी जो आपका प्रैक्टिस है 29 है ना, ये भी बड़ा ही इजी है, और प्रैक्टिस है 29 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो और उसमें समझ सकते हो कि सम्स को कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट। यानी अभी आप लोगों को क्या करना रहेगा ना, तो स्क्वायर रूट निकालना रहेगा। तो आप स्क्वायर रूट निकालोगे कैसे, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। यानी जो आपका प्रैक्टिस एट 30 है ना, सुनिएगा एकदम ध्यान से, प्रैक्टिस एट 30 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें आप लोगों को स्क्वायर रूट ही निकालना है, ठीक है। नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो अगर आप प्रैक्टिस एट 30 वाले वीडियो को देखोगे तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देती हूँ, 625, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट आप लोगों को करना है, ठीक है। तो 625 का स्क्वायर रूट होगा क्या, ये आप कैसे बताओगे, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मैं बताती हूँ, 625 के ना फैक्टर्स निकालो। 625 को क्या आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं। 3 से कर सकते हो, नहीं। डिवाइड करने का मतलब क्या है ना, कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए। ओके, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से हो सकता है। 5 1 5, इसमें 1 बचेगा, 5 2 10, 5 5 25, 125 आ गया, ठीक है। अभी इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 2 या फिर 3 या फिर 4 से आप नहीं कर सकते हो। 5 2 10, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 5 25। फिर 25 को किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से, 5 5 25, 5 को कैंसिल कर सकते हैं 5 से, तो 5 1 5। ओके, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमने 625 के फैक्टर्स निकाल लिए। अभी ध्यान दो, हमको फैक्टर्स क्या मिले हैं, 625 के फैक्टर्स क्या मिले हैं, 5 × 5 × 5 × 5। अभी हमें क्या करना है ना, दो दो नंबर्स की जोड़ी बनानी है, ऐसे एक जोड़ी दो जोड़ी, ठीक है, ऐसे करके। देखो, जोड़ियां हम उस नंबर के ही बनाएंगे जब वो सेम रहेंगे तभी। जैसे अगर आपके पास रहता 3 × 2, तो इन दोनों की आप जोड़ी बनाओगे क्या, नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर आपके पास 3 × 3 है तभी इसकी जोड़ी बन सकती है, वैसे नहीं बन सकती। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, ये जो जोड़ी बनाए हो ना, इसको एक ही बार लिखना इंटू, यहाँ पे एक जोड़ी बनी है तो इसको एक ही बार लिखना। 5 5 क्या होता है, 25। यानी 625 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 25। समझ में आया। अगर आप 25 का स्क्वायर करोगे, यानी 25 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको आंसर क्या मिलेगा, 625। ओके, तो ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले उस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर निकालते टाइम पे सुनो, हमको ध्यान में क्या रखना है ना, सबसे पहले हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे। यानी पहले 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर बाद में 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप नंबर्स देना और फिर उनको देखना कि वो नंबर उस नंबर से कैंसिल हो रहा है कि नहीं। जैसे सबसे पहले मैंने 2 लिया था, देखा था कि ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं 2 से, तो नहीं हो रहा था,
है ना, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने टू नहीं लिया। फिर थ्री को भी मैंने देखा, उससे भी नहीं हो रहा था, तब जाके मैंने फाइव लिया था। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो आप प्लीज़ घर पे बैठो, आराम से नोटबुक और अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपको ये चैप्टर समझ, यही चैप्टर नहीं कुछ भी, जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी तो आपको समझ में आता है ना। नहीं तो आप पहले ये सोच करके बैठ गए कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम नहीं कर सकते, फिर आप सचमुच में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, मैंने आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो जो मैंने आप लोगों को लॉज बताए थे ना, उन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखती हूँ, इसीलिए आप प्लीज़ कमेंट करो, है ना। अगर अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, अगर आप चाहते हो कि हम कुछ और चेंजेस करें तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊं तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा लगा ये वीडियो आप प्लीज़ कमेंट करके एटलीस्ट बताओ, ठीक है, जिससे मुझे आइडिया लगे कि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।